तो गाइज मेरे पास ना एक गाड़ी आई हुई है इको, और उसकी जो कंडीशन है उसमें भी चेक क्लेम पाया हुआ है। देख सकते हैं, मैं आपको गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट है, लेकिन जो इंजन चेक लाइट है वो बरकरार आई हुई है। एक बार मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब अभी हम इसमें ना स्कैनर लगाएंगे और देखेंगे आखिरकार चेक लैंप क्यों आया हुआ है। तो मैंने गाड़ी को इसका सर्चिंग कर लिया है, और पहले तो मैं गाड़ी को बंद करूँगा, स्विच लगा दूँगा। मैंने यहाँ पे जो कुछ सर्च करना होता है देख सकते हैं, इसे स्कैन करूँगा क्या फॉल्ट कोड आता है। तो भैया ये जो फॉल्ट कोड आ रहा है P0037, मतलब जो ऑक्सीजन सेंसर है, लैम्डा सेंसर, हीटिंग सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड। तो गाइस हो सकता है कि हो सकता है कोई तार तूर कटी हो, गाड़ी कहीं ढक गई हो सकता है कुछ। ये वाला सॉकेट तो लगा हुआ है, और देख सकते हैं भैया किसी ने, हो सकता है ना, इसमें मिट्टी होती है, इसमें मिट्टी, तो हो सकता है किसी ने साइलेंसर खोला हो, या फिर कस्टमर ने साइलेंसर को खुलवा के वेल्डिंग कराया हो। लेकिन नई गाड़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वेल्डिंग जैसा भी या खुला भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है ना। तो भैया यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो सॉकेट है, देख सकते हैं जो सॉकेट है, ये किसी ने शायद लगाया नहीं है, साइलेंसर खोला भी होगा। देख रहे हैं ना धूल, कितनी धूल जम रही है, देख सकते हैं। देख ये धूल इस बात का सबूत है कि सॉकेट का, धूल जो है इस बात का सबूत है कि जो सॉकेट है वो काफ़ी समय से नहीं लगा है। कस्टमर भी कह रहा था कि इसमें चेक इंजन लाइट जा ही नहीं रही है, मैंने चेक भी कराया है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने साइलेंसर वालेंसर खुलवाया था क्या, उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी तो नहीं है, साइलेंसर वगैरह तो नहीं खुलवाया। तो भैया मैं सॉकेट को लगा देता हूँ, तो देख जो फॉल्ट है इसी का है, और हमारी गाड़ी जो है सॉकेट लगने के बाद ठीक हो जाएगी, है ना। ये लग गई है, बैठ गई है, आवाज़ आ गई है इसमें किट की। तो मैं इसे, तो फाइनली मैंने सॉकेट, मैं इस कोड को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद देखता हूँ, तो फाइनली जो कोड है वो तो डिलीट हो गया है। अब मैं इसे रिटर्न करके देखूँ क्या वो वापस मेमोरी में दिखा रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं ना, नो फॉल्ट कोड। तो फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, एक दो बार चाबी को मैं ऑन ऑफ करना होता है। डाउन होगी भैया, चेक इंजन लाइट जा चुकी है। जो फॉल्ट कोड, जो लाइट आ रही थी उस सेंसर की वजह से ही लाइट आ रही थी। तो गाड़ी चलावे झटका से भी ले भाई ना, अभी कुछ नहीं, ऐसे करेक्ट, कभी कभी ले, कभी कभार ले भाई। तो भैया फाइनली ना एक ठीक हो गई है गाड़ी, पर तो ऐसे तो ब्रेक लगा रहे करो ठीक ले जी ले जी, ब्रेक लगा दे। तो ठीक है गाइस, गाड़ी हमारी सही हो गई है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही।